पिक्चर्स देखनी शुरू की हैं, जितनी भी देखी हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत कॉन्शियस नहीं हूँ पेंटिंग्स का, पर जो देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ सर, एक कोट आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने कहा कि जो पुलिस की छवि है वो बिगाड़ने में कहीं ना कहीं सिनेमा का भी हाथ रहा है, जिस बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकना चाहता, पर ऐसा मेरा मानना है, फिल्में कुछ भी नहीं करती। फिल्में आप अपने समाज का एक आईना है, जो समाज है वही फिल्में दिखाती है, फिल्में कुछ अलग दिखा नहीं सकती। आप मानते कि नहीं मानते मेरी बात? जी बिल्कुल सर। तो चूंकि इतने बड़े आदमी ने बोला तो शायद उनकी बात में भी बहुत दम होगा, पर ये मेरा मानना है कि फिल्में किसी को चेंज नहीं करती। एक एंटरटेनमेंट का मीडिया है थ्रू दी आईज ऑफ द सेम सोसाइटी। सर, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्में अच्छी चीज़ों को भी प्रोवोक करती हैं और लोग उससे थोड़ा चेंजेस भी लाते हैं अपने आप में। जो देखिए, कितना भी आप फिल्मों के जरिए, आप मुझे बताइए कि इतनी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इतना फिल्मों में दिखाते हैं कि स्मोकिंग हानिकारक है जी, कोई मुझे बता दे कि जितनी सिगरेट कंपनियों की सेल कम हुई है जी, तो फिर क्या होनी चाहिए ना जी सर? वो तो हम बोलते हैं कि आप मर जाएंगे आप सिगरेट पिएंगे। तो फिल्में एक जरिया है ऑफ द सोसाइटी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काम करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये मतलब नहीं कि फिल्म में बुरा दिखाया तो लोग बुरा कर लेंगे, अच्छे काम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बुरा दिखाया नहीं करते। मैं उस इश्यू पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी फिल्मों में दिखाते हैं हम वही दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी में है। ऐसा तो नहीं है कि मनगढ़ंत बात है हम जो दिखाते हैं, कुछ ऐसा लगता है किसी राइटर की इमेजिनेशन है, राइटर ने कहीं देखा है इन बातों को तभी तो दिखाता है। नहीं, वो इतने महान आदमी है, उन्होंने भी सोच समझ के ही बोला होगा जो बोला। आई थिंक ही इज ऑल्सो राइट एंड आई थिंक अवर इंडस्ट्री इज ऑल्सो राइट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। देखो ना वहाँ पे, आपको पेंटिंग पसंद नहीं आ रही? सर, आपको आर्ट्स में कितना रुचि रखते हैं? अगर आपकी बात करें तो आप आर्ट्स में कितना रुचि रखते हैं? आर्ट वार्ट में कोई डीप रुचि नहीं है, तो जो अच्छा लगता है वो देखता हूँ और जो अच्छा लगता है सुनता हूँ। सर, बचपन की कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? वो रहा था अभी क्या कर रहे हो? जी सर, वो थक गया यार सर, मेरा ये काम नहीं है, मैं छोड़ दिया अभी ये सब। बोलिए, ऐड के बारे में बता रहे थे। ऐड क्या? मेमोरीज के बारे में बता रहे थे सर। मेमोरीज ये है कि मैं यहाँ से थोड़ी दूर गिरगांव एरिया है, वहाँ रहा, तो बहुत बार बचपन में यहाँ से गुजरता था, रीगल सिनेमा जब था तो मैं ये आर्ट गैलरी को देखता था, पर कभी मौका नहीं लगा कि मैं अंदर आऊँ। आज पहली बार अंदर आया हूँ। सर,
सर माय वाइफ चला मागे आता थोडं मागे चला थोडं अंदर घेऊन थोडं कडाला चला चला मागे चला थोडं मागे चला मैम सबसे पहले तो आप एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एग्जीबिशन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अर्चना जी हमारी बहुत ही अच्छी छोटी भाभी हैं और बहुत अच्छा लगा उनका काम देखकर, और मैं जानती हूँ कि जब वो तैयारियाँ कर रही थी काफ़ी टाइम से, और आज जो उन्होंने सामने हमारे रखा है हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए हैं कि इतना अच्छा उनका काम उभर के आया है। अच्छा आर्ट्स की बात करें तो आप कितना रुचि रखती हैं आर्ट में? आर्ट के बारे में मैं पहले थोड़ा सा कर सकती थी और मुझे लगा कि मैं कभी ना कभी आर्टिस्ट बनूं, लेकिन वो बात रह गई क्योंकि प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती है लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी हॉबी है जो कि अगर इंसान चाहे तो कभी बोर नहीं हो सकता है लाइफ में, और कभी अकेला नहीं हो सकता है लाइफ में, क्योंकि ये इतनी अच्छी हॉबी है कि आपको वो बिजी रख सकता है सारा टाइम। मैम मोदी जी ने कहा था कि आप फिल्म में दिखाई गई पुलिसों की पूरी छवि से पुलिसों का नाम खराब होता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुरी छवि उनकी दिखाई जाती है, कई पिक्चरों में तो अच्छी भी दिखाई जाती है। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, और मुझे उम्मीद है कि लोग जिस तरह से मोदी जी की बाकी बातें भी सुन रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि जो बातें वो बोल रहे हैं, जो उनके ख्यालात हैं वो अच्छे हैं देश के लिए, तो इसमें भी मुझे लगता है कि लोग मानेंगे और अच्छी पिक्चरें बनाएंगे जहाँ पर एक पुलिस वाले की छवि अच्छी होगी। ओके मैम थैंक्स, थैंक यू सो मच। कौन स्टार न्यूज़ है? खाती करके।